नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर पंगा गर्ल खुलकर बात करती। कई बार उन्होंने बॉलीवुड की पोल खोलते हुए कई हस्तियों पर निशाना साधा। अब कंगना ने एक बार फिर अपनी फिल्म धाकड़ को लेकर बॉलीवुड पर तंज कसा। कंगना रनौत ने हाल ही में कहा है कि जब वो सलमान खान की बहन अर्पिता और जीजा आयुष शर्मा की ईद पार्टी में गई थी, तब वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी फिल्म धाकड़ के ट्रेलर की खूब तारीफ की थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से सब क्यों बचना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत धाकड़ के प्रमोशन के लिए अजय सिद्धार्थ कनन को इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, मैं हाल ही में एक बॉलीवुड पार्टी में गई थी, वहां मौजूद हर शख्स मेरी फिल्म के ट्रेलर के बारे में ही बात कर रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इतने बड़े लेवल पर एक ट्रेलर से इम्प्रेस हैं, सबके सब, तो छुपाई हुई बात क्यों है। जब कंगना से पूछा गया कि क्या उन्होंने लोगों को जनता के बीच आकर ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए कहा, तो उनका जवाब था, मणिकर्णिका के टाइम पर मैंने काफी लोगों को पर्सनली कहा था, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो कोई भी हो। मैंने पर्सनली कॉल करके कहा कि आप मुझे अपनी हर फिल्म के ट्रायल पर बुलाते हैं, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो पीके हो, आप मेरी फिल्म के भी ट्रायल पर आइए, मेरी फिल्म के बारे में बात करिए। अब मैं स्टेज से ऊपर उठ चुकी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। कंगना ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए ये कहने की कोशिश की है कि पार्टी के दौरान तो हर कोई उनकी फिल्म धाकड़ की तारीफ कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर किसके डर से ये स्टार सबके सामने कंगना की तारीफ करने से बच रहे हैं? हालांकि कंगना ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी फिल्म के बारे में बात करे या नहीं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कंगना की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही। कंगना इस फिल्म में एजेंट अग्नि का किरदार निभा रहे। फिल्म में कंगना का जबरदस्त एक्शन अवतार नजर आने वाला है। राजी घाई के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।